नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोवर्धन पंचगव्य परिवार में। हम यहाँ पर जो भी कोई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं उसको पहले प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने पर हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आपके साथ साझा करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है कमर दर्द से संबंधित। किसी के कमर में दर्द रहता हो, पूरी टांग में दर्द आता हो, साइटिका दब गई हो, या आपके जो रीढ़ की हड्डी के छल्ले होते हैं उनमें गैप हो गया हो वायु की वजह से, ये वायु की वजह से, वजन उठाने की वजह से, झटके लगने की वजह से ये समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा असहनीय दर्द होता है कि व्यक्ति की कमर तक झुक सकती है, आगे भी झुकाव हो सकता है और बराबर में भी झुकाव जो है हो सकता है। जब आप एक्सरा या MRI करवाते हो तो उसको देख करके डॉक्टर आपसे फटाक से बोलते हैं आपकी L5-S1 में गैप हो गया है, आपकी L4-L5 में गैप हो गया है, या गैप कम हो गया है, या आपकी साइटिका वेन इनके नीचे दब गई है, साइटिका की नस दब गई है, और तुरंत ऑपरेशन करवा लिया जाए। और ऑपरेशन के बाद भी मैं बता दूं, वो डॉक्टर कहेंगे कि जरूरी नहीं है आपको ये बात जो है ठीक हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन यदि आपके साथ कभी होती है तो मैं ये नुस्खा बताता हूँ आपको, मात्र 10 मिनट में आराम जो है शुरू हो जाएगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हो, नीचे जो है मोबाइल नंबर है 9801-31-31000, भोंगरा गांव, जींद, हरियाणा, भारत, डिस्क्रिप्शन में जो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या, यदि आपके साथ ऐसी समस्या होती है तो सबसे पहले आपको वात चिंता मणि रस की एक गोली सुबह, आयुर्वेदिक दवा है ये, एक गोली सुबह एक गोली शाम को शहद के अंदर कूट के उसको मिला करके उसके साथ लेनी है। ऊपर से आप थोड़ा बहुत गर्म पानी या दूध ले सकते हो गया। इसके बाद महानारायण महामास महाविष गर्भ तेल ले लो आप 100-100 ग्राम। अब इसके अंदर भांग के पत्ते डालने हैं आपको लगभग 10 ग्राम, 10 ग्राम धतूरे के पत्ते और 10 ग्राम आंख के पत्ते, इन सभी को कूट के अच्छी तरह से, और इनके अंदर 20 ग्राम आप गौमूत्र मिला लो, इनको निचोड़ के इनका जो रस है वो तेल में मिक्स करके और उस तेल को गर्म करके, जब ये सारी चीज़ें जल करके बंद हो जाएं, बल्कि इसके साथ में सारी चीज़ें बंद हो जाएं, तो इसको उतार लो। इसको उतार के छान के दोबारा से इसके अंदर 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सौंठ, ये और ऐसे ही जो है मिला करके, थोड़ा पानी मिला करके इसको उबाल के, जब पानी ख़त्म हो जाए तो इसको नीचे उतार के, ये आपका दर्द का तेल तैयार हो गया। ऐसा तेल तैयार हो गया, जैसे ही आप मालिश करोगे, अगर पूरी टांग में दर्द जाता है तो कमर के जहाँ पर आप पैंट बांधते हो या पजामा बांधते हो उससे 5 उंगल ऊपर तक पूरी कमर पर मालिश करनी, और मालिश करने के बाद उसके ऊपर कोई अच्छा मजबूत सा कपड़ा डाल के कमर के ऊपर, और फिर थोड़ी सी रेत ले लो, बालू रेत ले लो, या फिर आप रेती ले लो जो मकान बनाने में यूज होती है, जो नहर में जो मिट्टी मिलती है वो रेती होती है, वो ले लो। उसको अच्छी तरह से गर्म करके उस कपड़े को पहले 4-5 तह करके सूती कपड़े की, उसको जो है अगर थोड़ा सा गीला कर लो गर्म पानी में, निचोड़ के उसको रख लो, और अब उसके ऊपर गर्म गर्म जो है आपको वो रेती डालनी है, जलेगा नहीं चिंता मत करो, वो रेती डाल के उसको गर्म, जैसे जैसे ही उसको गर्माहट मिलती रहेगी वैसे वैसे आपको जो है आराम होना शुरू हो जाएगा। और मात्र 10 मिनट का समय आपको चाहिए, आपको 10 मिनट में कम से कम 70-80% आराम मिल जाएगा। ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है, और यदि कोई व्यक्ति इसको सीखना चाहता है कि मैं इसके माध्यम से कुछ कर सकता हूँ, तो हम उसको सिखा सकते हैं। मात्र एक दिन में जो है उसको ये बातें सिखाई जा सकती हैं, और वो एक दिन में सीख के और 10 मिनट के प्रोसेस में रोगी को आराम देकर अपनी आजीविका भी चला सकता है, और वो चाहे तो समाज सेवा भी कर सकता है। और हम इसको सिखाने को तैयार हैं, जो कोई व्यक्ति सीखना चाहता हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सियाराम, जय गो माता की। यदि कोई आपके संपर्क में ऐसा रोगी है तो उसके साथ वीडियो शेयर अवश्य करें। वैसे भी ये समस्या इस समय काफ़ी बढ़ने वाली